पेंटोसिड डी कैप्सूल जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिका इंडस्ट्रियल एलटीडी के द्वारा बनाई जाती है। 110 रुपये का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसके अंदर डॉमप्रिडोन 10 mg एंड पेंटाप्रोजोल 20 mg रहता है और ये कैप्सूल फॉर्म में रहती है जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए लिया जाता है गैस्ट्रो इसोफेगस डिसीज़ में और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम में इसको दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज में सुझा तो कैसे लेने का है और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। पेंटोसिड डी टैबलेट कैप्सूल जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिका इंडस्ट्रियल एलटीडी के द्वारा बनाई जाती है। डोमप्रिडोल 10 mg एंड पेंटाप्रोजोल 20 mg रहता है। 110 रुपये का ये 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये कैप्सूल जो कि गैस्ट्रो इसोफेगस डिसीज में यूज़ होता है और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो कंटिन्यूसली ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि डायरिया पेट में दर्द मुँह में सूखापन हेडेक वगैरह हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा और इसको खाली पेट ले। तो ये कैप्सूल काम कैसे करती है तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो डोमप्रिडोल और पेंटोप्रिडोल डाला गया। डोमप्रिडोल एक प्रोकाइनेटिक्स है जो कि क्या करता है कि अपर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मूवमेंट को बढ़ा देता है और पेट के अंदर गैस को कम करता है और इजिली डाइजेस्ट कर देता है। और प्रोटोन पंप इनिबिटर क्या है कि PPI है जो कि पेंटाप्रोजोल है जो कि क्या करता है कि एसिड को कम करता है पेट के अंदर से जिससे हृदय दर्द वगैरह नहीं होता है। तो ऐसे काम करती है कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।